मैं सोच के आया था घर से कि 2018 में मैं लास्ट गया था, उस टाइम पे थोड़ी सी खराब रोड थी, अब तो अच्छी हो जानी चाहिए थी, बट अभी भी ऐसी रोड है यार। तो कैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। ओहो, ये बैग पकड़, इसको साइड करो भैया एक बार। नहीं नहीं, आराम से आराम से। जब मैं नीड फॉर स्पीड खेलता था ना गेम, तो उसमें भी एक लोकेशन थी ऐसी सेम टू सेम, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी नीड फॉर स्पीड खेल रहा हूँ। कितना बड़ा झरना गिर रहा है नदी में। सो फाइनली हम लोग ना वैली के अंदर एंटर हो चुके हैं, ये देखो गाइस। और सेम वैली हमें बद्रीनाथ रोड में भी सेम वैली मिलती है। पूरा अंधेरा हो गया, बट हमारे हिमालय में अभी भी रोशनी है, अभी भी वहाँ पे धूप चमक रही है, देखो। What's up guys, welcome back to new vlog। तो guys, अभी मैं जिस place पे खड़ा हूँ ये है मसूरी रोड, और यहाँ से guys देहरादून का व्यू दिख रहा है बहुत ही प्यारा। आज का मेरा प्लान है देहरादून से और उत्तरकाशी राइड का। उत्तरकाशी में एक बहुत प्यारी जगह है हरसिल वैली, नाम तो सुना होगा आपने, गंगोत्री से थोड़ा सा पहले, कुछ किलोमीटर पहले। तो आज हम लोग हरसिल जाने वाले हैं, एंड जो मेरे साथ मेरा पिलियन राइडर है ये है भाग्या, और ये आया है राजस्थान से, और ये सेकंड टाइम अभी उत्तराखंड आ रहा है। इससे पहले की राइड में जो मेरी उत्तराखंड राइड थी जिसमें मैंने ओम पर्वत और आदि कैलाश एक्सप्लोर किया, उस राइड में मैं उत्तराखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोर किया, बट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट बस गया था, उत्तरकाशी में नहीं जा पाया। तो सोचा कि उत्तरकाशी नहीं गया हूँ तो भाग्य को भी उत्तरकाशी घुमा दूँ, और अपना उत्तरकाशी भी एक्सप्लोर हो जाएगा, और हरसिल वैली, नीलोंग वैली, जितने भी वैली वहाँ पे हैं तो सब कुछ हम लोग इस राइड में एक्सप्लोर करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे अपनी पहाड़न खड़ी है, तो पहाड़न भी अपनी फुल रेडी हो चुकी है यहाँ से निकलने के लिए। सो गाइस, आज की राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है एक बहुत ही प्यारे व्यू के साथ। उधर है मसूरी और हम लोग मसूरी बाईपास वाली रोड से जा रहे हैं। और गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:41, सुबह हमें उठने में थोड़ा लेट हो गया था, और पैकिंग वगैरह भी हमने सुबह की, तो थोड़ा सा आज लेट हो गया। तो मुझे लगता है कि हम लोग अंधेरे में ही हरसिल पहुंचेंगे, और वो सब ना रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि रोड कैसी होगी वहाँ की। ओहो, ये बैग पकड़, इसको साइड करो भैया एक बार। हेलमेट लेके आना नीचे से, हेलमेट नीचे गिर रहा है, जा बैग छोड़ दे। नहीं नहीं, आराम से आराम से। ये तो है सर, ये ऊपर तक चला दूँ। ओहो, तो कैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी चढ़ नहीं पाती ना यहाँ पे, थोड़ा चढ़ाई है। सो और इनका हेलमेट ना नीचे गिर गया था, भाग्य लेके आया, बैठ जा। तो अभी यहाँ पे लोकल भाई लोग इनकी स्कूटी ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यार थोड़ा सा टफ रहता है, देखो कितनी चढ़ाई है, ये देखो, और ऊपर से कार वगैरह आती है ना, फिर तो जगह ही नहीं मिलती यहाँ पे। सो गाइस, फाइनली हम लोग मेन रोड में पहुँच गए, धनौल्टी वाली रोड पे। एंड गाइस, मैं भी आज आराम से राइड करूँगा, रफ राइडिंग नहीं करूँगा। आगे ना राजस्थान से आया ना, तो उसने कभी बर्फ़ नहीं देखी, तो उसका बहुत मन है बर्फ़ देखने का, इसलिए हम लोगों ने हरसिल का प्लान बनाया। बट आई डोंट नो यार, वहाँ पे हमें बर्फ़ मिलेगी नहीं मिलेगी, स्नो मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी बारिश भी आई नहीं है। विंटर सीजन तो स्टार्ट हो गया है, बट अभी बारिश नहीं आई है, और जब तक बारिश नहीं आई तब तक बर्फ़ तो गिरेगी नहीं। बट देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ मिलती है नहीं मिलती है, तो लेट्स सी, वहीं जाके देखते हैं। एंड गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ हिमालय, यहाँ का फर्स्ट व्यू है, यहीं से हिमालय दिखता है, देखो भाई कितना प्यारा दिख रहा है। अभी सुपर वाइड एंगल में है ना, तो इतना आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, बट आंखों सामने का नज़ारा बहुत ही प्यारा है। एंड गाइस, यहाँ से गंगोत्री है 201, तो गंगोत्री से पहले हरसिल पड़ता है लगभग 20-25 किलोमीटर, तो हमें अभी 180 किलोमीटर के आसपास चलना है। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रोड चौड़ी हो रही है, रोड बड़ी हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब तो पूरी रोड ऐसी होने वाली है, गंदी सी बेकार सी रोड। मैं सोच के आया था घर से कि 2018 में मैं लास्ट गया था, उस टाइम पे थोड़ी सी खराब रोड थी, अब तो अच्छी हो जानी चाहिए थी, बट अभी भी ऐसी रोड है यार। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है धूल से, और ये देखो ना बस वाला आया और कितनी ज्यादा धूल छोड़ के गया है। गाइस, बहुत ही ज्यादा बुरे हाल है इस रोड के। एंड गाइस, यहाँ पे शादी हो रही है, और ये सब लोग ना जौनसारी गेटअप में, अभी ये पूरा इलाका जौनसार में आता है। एंड गाइस, ये वाले ऐसे पहाड़ ना, बिल्कुल सूखे से पहाड़ आपको जौनसार में ही देखने को मिलते हैं, लाइक जैसे चक्रता साइड भी ऐसे पहाड़ देखने को मिलते हैं, और इस रोड पे भी ऐसे दिख रहे हैं। और जो अपना गढ़वाल साइड है और गुमाऊं साइड है, वहाँ पे यार इस टाइप के पहाड़ नहीं दिखते। वहाँ पे ना जो पहाड़ होते हैं चट्टान टाइप के होते हैं, और ग्रीनरी टाइप की रहती है, पर यहाँ पे ये मैदान वाले होते हैं। पर जब मार्च अप्रैल का टाइम होता है ना, तो पूरे पहाड़ों में ग्रीनरी रहती है बहुत ही प्यारी। तो गाइस, अब जाके ना अच्छी रोड मिली है, देखो क्या मस्त पेंटिंग हो रही है रोड में, और मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में। और भाग्य को ना आदत नहीं है इतने लंबे रोड पे चलने की, तो भाई उसके पाँव दर्द हो रहे हैं अभी, एंड थोड़ा सा बैग भी हमारा भारी है, तो बीच में हम लोग थोड़ा थोड़ा रुक के चल रहे हैं। और यार इसका ना पैर जाम हो गया, क्या कर रहा था ऐसा,
आराम से आराम से। कहाँ से, क्या कर रहा था, पाँव लंबे कर रहा था क्या? तो ऐसे नहीं करना होता भाई, पाँव लंबे नहीं करना होता भाई यार। कहाँ पे, यहाँ पे? अभी तेरे को आदत नहीं है ना राइड की, ठीक है? चले पानी पी ले, पी ले पी ले। और घर से हम गर्म पानी लेके आए क्यों भाई, ठंडे का मौसम है। तो अभी हम इस लोकेशन में रुके हुए हैं और भाग्य को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ के हिमालय के व्यू। पहली बार हिमालय देख रहे हैं, है ना भाई? ये तो पहली बार हिमालय देख रहे हैं हम लोग, तो भैया हिमालय की गोद में जाके आए हैं। चले लेट्स गो। और गाइस अभी दिन के 2 बजे और अभी हम पहुँचने वाले हैं चिन्यालीसौड़ में। सो गाइस ये सामने है चिन्यालीसौड़ और ये नीचे आपको नदी दिख रही होगी, ये है भागीरथी नदी। और आगे डैम है ना, तो डैम की वजह से देखो पूरी झील बन गई यहाँ पे। और यहाँ से है उत्तरकाशी 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर उत्तरकाशी है और 129 किलोमीटर है गंगोत्री। तो लगभग हमें 100 to 110 किलोमीटर चलना है। एंड गाइस अभी मुझे लगता है ना कि हम लोग अंधेरे में ही हर्सिल पहुँचेंगे, क्योंकि अभी 3 बज चुका है और यहाँ पे लगभग 5:30 बजे ना रात हो जाती है। और हर्सिल भी यहाँ से भाई लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास तो हो गई। एंड अभी हमने वहाँ पे होटल वगैरह भी सर्च नहीं किया, तो देखते हैं वहीं पे जाके। जब मैं नीड फॉर स्पीड खेलता था ना गेम, तो उसमें भी एक लोकेशन थी ऐसी सेम टू सेम, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी नीड फॉर स्पीड खेल रहा हूँ और बहुत प्यारा लग रहा है। एंड गाइस ये है उत्तरकाशी का प्यारा सा व्यू। मुझे टनल से होके जाना है, इधर मेन मार्केट का रास्ता है उत्तरकाशी मेन मार्केट। और जब मैं यहाँ पे आया था पहले 2018 में, तो यहाँ से भी एक रास्ता हुआ करता था ये साइड वाला, बट अब ये रास्ता बंद कर दिया और ये टनल बनाई गई है। क्या सही टनल है भयंकर, कितनी लंबी टनल है। और यहाँ आवाज़ गूंज रही है बहुत ही प्यारी, ये देखो कितना 410 कर दो, ठीक है 610। तो गाइस अभी पेट्रोल भी भरा दिया, क्योंकि आगे में भी पेट्रोल ना मिले तो टैंकी फुल करा दिया। एंड गाइस अभी हम लोग लंच भी करेंगे, बट लंच हम उत्तरकाशी में नहीं करेंगे, उत्तरकाशी से थोड़ा आगे एक प्लेस है भटवाड़ी करके, तो वहाँ पे हम लंच करेंगे। और जैसे जैसे शाम हो रही है ना, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। अभी धूप थी तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, बट शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और गाइस हम अभी पहुँचे हैं मनेरी में और एक प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस ये देख रहे हो आप लोग, कितना बड़ा झरना गिर रहा है नदी में। और ये डैम का पानी है जो यहाँ से आता है, आगे डैम है मनेरी डैम। और ये देखो भाई, लगा लो ये पानी ना उड़ के हम तक आ रहा है अभी, और बहुत ही प्यारा व्यू है। भाग गया, फोटो ले ले, गंगा ने दिखा फोटो। हाँ गंगा, हाँ गंगा मतलब भागीरथी का है, देवप्रयाग के बाद गंगा नाम होता है। और बीच में ना बहुत ही प्यारा रेनबो सा शेड बन रहा है। तो गाइस अभी निकल गए हम लोग मनेरी से और आगे मनेरी डैम है, उसका व्यू भी बहुत ही प्यारा है। और गाइस ये है डैम की झील जो काफी प्यारा दिखता है उस साइड से, उस पहाड़ से जो रोड दिख रही है ना आपको। मैं पहले गया था वहाँ पे, बट अभी तो टाइम नहीं है वहाँ पे जाने का, बट यहीं से देख लो आप कितना प्यारा व्यू है। सो गाइस फाइनली हम लोग भटवाड़ी पहुंच चुके हैं और यहीं से आपको वैली दिखाई दे रही होगी बहुत ही प्यारी। ऊपर ऊपर देखो, नीचे तो बस ऐसी रोड है। और गाइस अभी लगता है कि मैं आपको हर सीन नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि बस अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है, पहाड़ों की धूप जाने वाली है। तो गाइस अभी हम लोग ना भटवाड़ी में रुके हुए हैं और यहाँ पे मैगी खाएंगे अभी। और भाग्य बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसकी पहली इतनी लंबी राइड है। अभी हम बीच में बस एक दो जगह पे ही रुके थे और अभी यहाँ से है लगभग 40-50 किलोमीटर हर्सिल, तो लगभग हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा और रात भी हो ही जाएगी। तो हर्सिल का व्यू आपको कल सुबह देखने को मिलेगा, क्या पता हम उजाले में पहुँच गए तो आपको आज ही हर्सिल दिखा देंगे। तो गाइस अभी पेट पूजा भी हो गई है और अभी चल रहे हैं हम हर्सिल की तरफ। और जो ये ऊपर वाला रास्ता है ना, ये जाता है रैथल दयारा बुग्याल, बट हमें नीचे वाले रास्ते पर लेना है। हो भाई, और ठंड ना बढ़ गई है और अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुकी है भाई। अगर बेकार रोड में तो हम लोग भाई 1.5 घंटे से पहले तो नहीं पहुंचेंगे, लगभग 6 बजे तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए 1 घंटे में। और अभी ये रोड ना बिल्कुल सुनसान रोड है और जंगली जानवर का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सुनसान रोड है। और देखते हैं क्या सीन होता है, कितने बजे पहुँचते हैं और कितनी खतरनाक रोड है, वो तो अभी आगे जाके ही पता चलेगा। सो फाइनली हम लोग ना वैली के अंदर एंटर हो चुके हैं, ये देखो गाइस। और सेम वैली हमें बद्रीनाथ रोड में भी सेम वैली मिलती है, और दो बड़े बड़े पहाड़, बीच में नदी और प्यारी सी रोड।
ये देखो झरना, अब तो इस रास्ते में झरने दिखते रहेंगे आगे। एंड गाइस इस प्लेस का नाम है गंगनानी, और यहाँ पे ऊपर ना गर्म पानी का कुंड है। कहीं पे जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे गर्म पानी के कुंड में मैं नहाया था। तो मे बी कल अगर हम आएंगे तो गर्म पानी का कुंड भी ज़रूर देखेंगे। एंड गाइस वो सामने ऊपर पहाड़ दिख रहे हो आप, वो चट्टान पर भी भयंकर देखो गाँव है, बड़ा सा गाँव है, और यहाँ पे भी इस ठंडे में लोग रहते हैं। हर्षिल में भी एक गांव है, तो यहाँ पे के लोग क्या करते हैं, जब विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो ये लोग यहाँ से उत्तरकाशी साइड चले जाते हैं, और जैसे फिर से गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं फिर से लोग वापस आ जाते हैं। अभी मे भी वहाँ पे लोगों ने तैयारी कर ली होगी वहाँ से जाने की, क्योंकि वहाँ पर अभी स्नोफॉल होने वाली है। और एक और प्यारा सा वाटरफॉल है यहाँ पर, ये देखो मस्त वाटरफॉल। अरे तुम्हारे उधर भी होते क्या वाटरफॉल राजस्थान में? होते हैं, मुझे लगा वहाँ सिर्फ रहती रहती होती है। एंड गाइस ये व्यू देखो कितना प्यारा दिख रहा है, ऊपर से ना पानी की धाराएं आ रही हैं बहुत सारी एक ही पहाड़ के नीचे से, बहुत ही मस्त व्यू। ये देखो, और अभी यहाँ से 24 किलोमीटर है हर्षिल, और ठंड से तो हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और भाग्य की तो पीछे बैठ के फटके चार हो गई है, उसके बम पे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा बैठे बैठे। और गाइस अभी हल्का हल्का अंधेरा होने वाला है, यहाँ पे देखो कितना अंधेरा अंधेरा से, और वो ऊपर पहाड़ में देखो वहाँ पे धूप चमक रही है। एंड गाइस अभी पूरी पूरी रात हो गई है, पूरा अंधेरा हो गया, बट हमारे हिमालय में अभी भी रोशनी है, अभी वहाँ पे धूप चमक रही है देखो। और इधर पूरी रात हो गई, इधर धूप इधर रात, गजब है ना, पहली बार देख रहे हैं तो ऐसा। और गाइस अभी ना ये वाली वैली जो है ना जहाँ पे हम अभी हैं, ये वाली वैली बहुत ही प्यारी दिखती है, बट अभी रात हो गई दिख नहीं पा रही है, बट आते हुए मैं आपको ये वैली ज़रूर दिखाऊंगा। तो गाइस अभी पूरा का पूरा अंधेरा हो गया, और लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर बस हर्षिल है, एंड अब सीधा आपसे हर्षिल में मिलता है। और अभी हाथों की हालत भाई इतने ख़राब हो चुके हैं ना, बिल्कुल हाथ में जाम हो चुके हैं मेरे। अभी टेम्परेचर होगा यहाँ पर लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस वेलकम टू हर्षिल, एंड यह हर्षिल का ब्रिज, हर्षिल जाने का ब्रिज। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना है होम स्टे या फिर कोई होटल, एक बार घूम लेते हैं पूरा हर्षिल इधर से उधर, फिर देखते हैं भैया कहाँ पे रूम मिलता है हमको। भैया रूम मिलेंगे? रूम एक बार रूम देख लेते हैं। तो गाइस अभी ये रूम हम लोगों ने फाइनल किया है, पहले ही रूम देखा और पहले ही फाइनल कर दिया, क्योंकि अभी इतनी हालत नहीं है हमारी कि बाप भटकते रहें पूरे हर्षिल में और रूम देखते रहें, ठीक है रात ही गुजारनी है। और यहाँ पर ही अपना वॉशरूम है, और ऊपर गीजर लगा हुआ है, मेन तो यहाँ पे गीजर है भाई। सो गाइस अभी हमने फिर से रूम चेंज कर दिया, क्योंकि उस रूम में गीजर नहीं चल रहा था, और गर्म पानी तो ये ठंडे में गर्म पानी तो चाहिए ही, तो हमने फिर से कमरा चेंज किया। ऊपर वाले फ्लोर पे थे, उसी होटल के नीचे वाले फ्लोर पे आए। ये कमरा भी ठीक है, उसमें क्या था कि 3 बेड साथ में अटैच थे, इसमें 2 बेड उधर है और 1 बेड यहाँ पे है, तो इस बेड में हम अपना सामान वगैरह फेंक देंगे। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे आराम करेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे। इसको थोड़ा सा नाइट व्यू दिखाऊंगा हर्षिल का, ये जो छोटा सा मार्केट है यहाँ पे, इसका नाइट व्यू दिखाऊंगा एंड फिर कुछ खा पी के फिर घूम पे आएंगे। और आज सुबह से राइड कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा थके हुए भी हैं, तो देखते हैं स्टे ट्यून क्या होता आगे। ठंड से फटी भाई इसकी, क्या कर रहा है भाई इसकी, लिटरली फट गई है ठंड से, देख रहे हो। अब रेगिस्तान से यहाँ आएगा पहाड़ों में तो फटेगी। तो गाइस अभी हम कमरे से बाहर निकले हैं, और अभी डिनर करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर डिनर में। तो गाइस अभी यहाँ पे बनाया पालक की सब्जी और मिक्स वेज और रोटी, अभी तो यही बनाया यहाँ पे, अभी देखते हैं ये खाएंगे उसके बाद। और क्या खाएगा तू? मैगी। और मैगी खाएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगा, ये खाएगा, इसको मैगी की भूख लगी है, और खाना अच्छा हो रहा है, टेस्टी हो रहा है। अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया, तो अभी थोड़ा सा हर्षिल घूम रहे हम लोग नाइट में, थोड़े आगे तक जाएंगे देन वापस आ जाएंगे। और ठंड हो रही है बहुत ही ज़्यादा, इसकी तो फटी पड़ी है। इसके तो देहरादून में ही फटी पड़ी थी, ये तो देहरादून में ऐसा बोल रहा था, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है देहरादून में बोल रहा था, कितना ठंडा है यहाँ पे, वहाँ पे फीवर हुआ था भाई, यहाँ तो भाई ठीक है भाई, फीवर तभी तो हुआ जब तुझे ठंड लगी, वो कैंप लगा हुआ है। एंड गाइस हम कल यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के आसपास के विलेजेस, एंड गर्तांगली देखते हैं, अगर ओपन होगा तो गर्तांगली जाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग घूम घाम के आ गए अपने रूम में, और बाहर भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पे टेम्परेचर अभी -3 डिग्री सेल्सियस, अभी बर्फ़ तो नहीं गिरी है पर टेम्परेचर डाउन जा रखा है,
और इसको खांसी हो रही है और जुकाम भी है थोड़ा सा। तो अभी हम लोग भी सो जाते हैं, आराम करते हैं। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमारा देहरादून से और हर्षिल तक की जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, आपको मेरी नाक दिख रही होगी, लाल हो गई है ठंड के मारे। तो अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक टाटा बॉम्बे सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।